आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। 3.25 लाख प्रदूषण प्रमाण पत्रों की होगी जांच। तो प्रदेश में पंजीकृत करीब 3.25 लाख वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र जांच के घेरे में आ गए हैं। यह प्रमाण पत्र वाहन पोर्टल पर तो अपडेट दिख रहे हैं, लेकिन किस राज्य से बने हैं यह पता नहीं चल पा रहा है। इनकी जांच के लिए परिवहन मुख्यालय ने NIC को पत्र भेजा है। महिला आरक्षण बिल पर राजभवन में चल रहा मंथन। तो विधानसभा से पारित हुए कुल 14 विधेयकों में से 9 विधेयकों पर राजभवन में मंथन जारी है। इसमें चर्चित महिला आरक्षण बिल भी शामिल है। नए साल में खुलेगा प्रदेश में 5,700 नौकरियों का पिटारा। तो लोक सेवा आयोग ने 32 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। PCS प्री परीक्षा 2 जुलाई को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नए साल में कई विभागों में 5,700 से अधिक पदों पर भर्तियां निकालेगा। आयोग ने अगले साल होने वाली 32 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इनमें उत्तराखंड अधिसेव चयन आयोग UK 83 से मिली 15 भर्तियां भी शामिल की गई हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि नए साल में कौन सी भर्ती कब परीक्षा होगी यह युवाओं को पहले ही पता रहेगा। बताया कि जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें संघ लोक सेवा आयोग UPSC की ओर से जारी तिथियों का भी ध्यान रखा गया है। बताया कि नए साल में कई विभागों में 5,700 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। बताया कि इन सभी भर्ती को मिलाकर 32 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इनमें UK 83 से आई 15 भर्तियों को भी शामिल किया गया है। तो पटवारी लेखपाल परीक्षा 8 जनवरी को, वन आरक्षी परीक्षा 22 जनवरी को, सहायक कुल सचिव परीक्षा 7-8 फरवरी को, सहायक लेखागार परीक्षा 12 फरवरी को, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 5 मार्च को, बंदी रक्षक परीक्षा अप्रैल के बाद, संभागीय निरीक्षक प्री परीक्षा 19 अप्रैल को, कृषि पशुपालन भर्ती परीक्षा 23 अप्रैल को, PCS JEE प्री परीक्षा 30 अप्रैल को, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 मई के बाद, प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 7 मई, विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा 24 से 26 मई, मानचित्रकार परीक्षा 4 जून, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान परीक्षा 12 से 15 जून को, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 18 जून को, PCS प्री परीक्षा 2 जुलाई को, लोअर PCS प्री, सफाई निरीक्षक प्री, राजस्व निरीक्षक प्री परीक्षा 23 जुलाई को, अपर अभियंता परीक्षा 23 अगस्त को, सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 20 अगस्त को, PCS JEE मुख्य परीक्षा 23 से 26 अगस्त को, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 1 अक्टूबर को, व्यवस्थापिका परीक्षा 24 सितंबर, पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा 1 अक्टूबर को। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी की परीक्षाओं का जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसमें PCS से लेकर के PCS लोअर PCS से लेकर के सभी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कैलेंडर देख सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2023 के लिए 32 परीक्षाओं का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें UK 83 की 15 परीक्षाएं हैं। सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। 8 भर्तियों की रिपोर्ट पर विधिक राय लेगा आयोग। तो पेपर लीक विवादों से घिरी समूह ग की 8 भर्तियों की रिपोर्ट पर अधीन सेवा चयन आयोग विधिक राय लेगा। इसके बाद 1-2 दिन में अपना निर्णय सुनाएगा। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में 8 भर्ती परीक्षाओं की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। बैठक के बाद अध्यक्ष मर्तोलिया ने बताया कि रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर विधिक राय ली जाएगी। बताया कि 1-2 दिन में विधिक राय मशविरा करने के बाद आयोग अपना निर्णय सुनाएगा। भर्तियां रद्द होंगी या नहीं इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। गौरतलब है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालक सुरक्षा संवर्ग सहित कई भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद अधीन सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियां खटाई में पड़ गए थे। 18 अक्टूबर को आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में तय हुआ कि 8 भर्तियों में पेपर लीक हुआ या नहीं, कहां कमियां रही जैसे सभी बिंदुओं पर जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। अक्टूबर में ही आयोग ने पूर्व IAS SS रावत के अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया था। समिति ने सोमवार को आयोग के अध्यक्ष मर्तोलिया को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इन भर्तियों पर होगा फैसला। तो LT के 1431 पद, उत्तराखंड व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स भर्ती, वाहन चालक भर्ती, कर्मशाला निदेशक, मत्स्य निरीक्षक और मुख्य आरक्षी दूर पुलिस दूर संचार भर्ती। तो इन पदों पर फैसला होने वाला है। वहीं पटवारी व लेखपाल भर्ती के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। तो पटवारी व लेखपाल भर्ती में एक पद पर 281 दावेदार एडमिट कार्ड जारी। तो प्रदेश में पटवारी के 391 और लेखपाल के 172
कुल 563 पदों पर भर्ती के लिए रिकॉर्ड 158,210 आवेदन आए हैं। एक पद के लिए करीब 281 दावेदार हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। 8 जनवरी को प्रदेश में यह परीक्षा कराई जाएगी। पटवारी लेखपाल भर्ती के लिए पूर्व में उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने आवेदन मांगे थे, जिसमें प्रदेश भर से 143,000 आवेदन आए थे। बाद में पेपर लीक विवाद से आयोग के घिरने के बाद सरकार ने यह भर्ती उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंप दी। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 8 जनवरी को भर्ती की परीक्षा कराने जा रहा है। जनवरी में आएगी कृषि विभाग के अधिकारी, तो उत्तराखंड कृषि विभाग की भर्ती, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब नए साल में कृषि विभाग की नई भर्ती निकालेगा। कृषि, पशुपालन और उद्यान विभाग में 4 सहायक खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग सेकंड, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 आदि के 463 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इसकी परीक्षा 23 अप्रैल को प्रस्तावित है। भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को राहत की उम्मीद, तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की विभिन्न भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। आयोग के बोर्ड बैठक में इन परीक्षाओं को लेकर गहन मंथन किया गया। मंगलवार अपराह्न आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं की जाँच एक्सपर्ट कमेटी से कराई थी। इन पर अभी बना है संशय, तो स्नातक स्तरीय फॉरेस्टर और सचिवालय रक्षक परीक्षा को लेकर के अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। इन तीनों परीक्षाओं में बड़ी संख्या में पेपर लीक व नकल के मामले सामने आए थे। एसटीएफ इनकी जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि बोर्ड बैठक में इन परीक्षाओं के भविष्य को लेकर भी चर्चा की गई, ये रद्द होंगी या फिर इन परीक्षाओं का भी रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बोर्ड बैठक में सभी 11 परीक्षाओं को लेकर के मंथन किया गया, जिनमें जांच रिपोर्ट के साथ ही सभी पहलुओं पर भी चर्चा की गई। इनमें 3 परीक्षा ऐसी भी हैं जिनकी पुलिस जांच चल रही है। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा 2 दिसंबर 2022 को आयोजित अनुवादक द्विभाषीय अंग्रेजी व हिंदी महाधिवक्ता कार्यालय मुख्य परीक्षा 2022 के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रकार सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र की चारों सीरीज ABCD की आंसर की जो है वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, तो अभ्यर्थी देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी अभ्यर्थी को इस प्रश्न में गलती लगती है तो वे ऑनलाइन ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। इसके लिए 28 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके लिए शुल्क जो है प्रति प्रश्न ₹50 भुगतान करना होगा। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें बताया गया कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो है वो 8 जनवरी को होगी। इसके लिए एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो 29 तारीख से आयोग की वेबसाइट pca.uk.gov.in पर जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा पृथक से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। शीतलहर का कहर, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में बंद रहेंगे स्कूल। तो हरिद्वार व उधम सिंह नगर जिले में शीतलहर का कहर और बढ़ गया है। मौसम विभाग ने दोनों जिलों में अगले 48 घंटे के लिए शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में जबरदस्त ठंड पड़ने के साथ ही कोहरा छाया रहेगा। ऐसे में जिला प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि लंबे समय तक ठंड में बाहर न रहें। हरिद्वार के प्रभारी जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों में बुधवार और बृहस्पतिवार को अवकाश घोषित कर दिया है। 30 और 31 दिसंबर की स्कूलों का संचालन सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक होगा। उधम सिंह नगर के DM युगल किशोर पंत ने बुधवार को सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की छुट्टी का आदेश जारी किया है। नाक से दिया जाने वाला टीका ₹800 में, तो नाक से दिया जाने वाला दुनिया का पहला कोरोना रोधी टीका सरकारी अस्पतालों में 325 और निजी अस्पतालों में ₹800 प्रति खुराक की दर से मिलेगा। 90% कामगारों को पेंशन के दायरे में लाने की सिफारिश की गई। जोशीमठ में नदी के किनारे बनेगी दीवार, तो DM ने निरीक्षण कर दिए निर्देश। तो नगर में हो रहे भू धसाव की रोकथाम के लिए बुधवार को जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने एक एक मकान का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग को अलकनंदा नदी के किनारे करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार बनाने के निर्देश दिए हैं।
कोरोना बढ़ने या के खतरे पर अस्पतालों ने कमर कसी, तो दुनिया में कोरोना के बढ़ते या खतरे के बीच देश भर के अस्पतालों में मंगलवार को तैयारियां परखी गई। मैराथन जांच के दौरान दवा, ऑक्सीजन और अन्य इंतजामों की पड़ताल की गई। जिन अस्पतालों में कमियां पाई गई उन्हें तत्काल सुधारने के निर्देश दिए गए। ऋषिकेश में फर्जी पहचान पत्र बनाने का भंडाफोड़, तीन दबोचे। तो ऋषिकेश में बिना दस्तावेजों के विदेशी नागरिकों और दूसरे राज्यों के लोगों के आधार, वोटर और पैन कार्ड बनाने वाले जन सेवा केंद्र का खुलासा कर एसटीएफ ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आंचल और मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपये बढ़ाए। तो मदर डेयरी की ओर से दूध के दाम बढ़ते ही आंचल ने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं। सेना दिवस परेड दिल्ली की बजाय बेंगलुरु में होगी। तो आगामी 15 जनवरी को होने वाली सेना दिवस परेड इस बार दिल्ली की बजाय बेंगलुरु में होगी। उत्तराखंड में सार्वजनिक वाहनों में डस्टबिन जरूरी। तो प्लास्टिक कचरे पर नियंत्रण के लिए राज्य में पंजीकृत सार्वजनिक वाहनों में भी डस्टबिन लगाए जाएंगे। मसूरी से धनोल्टी के बीच पेड़ काटे, पहाड़ खोद डाले। तो मसूरी वन प्रभाग के सिल्ला और बुरांस खंडा में हरे पेड़ों का कटान किया जा रहा है, साथ ही पहाड़ काटकर अवैध निर्माण भी किया जा रहा है। यहाँ वहाँ विशेष क्षेत्र होने के कारण निर्माण के लिए एनओसी की जरूरत है। देश भर में दवा कंपनियों की जांच शुरू। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के निर्देश पर केंद्रीय औषधि एवं मानक नियंत्रण संगठन ने राज्य की एजेंसियों के साथ मिलकर कुछ चिन्हित दवा बनाने वाली कंपनियों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। गर्भवतियों की मदद करेगा गर्भस्थ स्वस्थ गर्भ ऐप। तो IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं को तत्काल चिकित्सा और सलाह उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल ऐप स्वस्थ गर्भ तैयार किया है। धामी के कदम से इगास और हरेला पर्वों का संरक्षण होगा। तो अखिल गढ़वाल सभा एवं कुर्वांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री धामी से भेंट कर हरेला और इगास बग्वाल पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने पर आभार जताया। अंकिता केस में BIP का नाम सार्वजनिक हो। तो पूर्व CM हरीश रावत ने अंकिता भंडारी केस में BIP का नाम सार्वजनिक करने की पर जोर दिया, साफ किया कि इस केस की CBI जांच कराई जाए। बिजली दर बढ़ोतरी के मूल प्रस्ताव में नहीं हुआ बदलाव। तो ऊर्जा निगम की बिजली दरों में बढ़ोतरी के मूल प्रस्ताव में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का विरोध किया गया। राजभवन में 25 कर्मियों का सम्मान किया गया। अफसरों के ज्वाइन नहीं करने पर आयोग खफा। तो निदेशालय में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के US में उधम सिंह नगर में तबादला होने के बाद भी उनके वहां ज्वाइन नहीं करने पर अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने एहतियात जताया है। अच्छा रहा कोविड से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कर ली। तो अच्छा रहा कोविड से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करी। प्रदेश भर के अस्पतालों में मंगलवार को की गई मॉक ड्रिल में कई खामियां और खूबियां सामने आई। देहरादून में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R. राजेश कुमार ने दून और जिला अस्पताल कोरोनेशन में कोविड से निपटने के लिए कई व्यवस्थाएं परखी। उन्होंने व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। दून अस्पताल में 125 बेड रिजर्व, 3 जम्बो प्लांट लगाए गए। दून अस्पताल में मास्क जरूरी एडवाइजरी जारी। तो दून अस्पताल में मरीजों तीमारदारों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं डॉक्टरों और टेलीमेडिसिन पर जोर देने के लिए कहा गया है। वहीं सोशल डिस्टेंस का पालन कराने को सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित किया गया है। 5 लाख डोज मिलने की उम्मीद। तो कोरोना टीके का संकट इसी सप्ताह दूर होने की उम्मीद है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार की बड़ी बाधा दूर हुई। तीनों विश्वविद्यालय के छात्र महासंघ पर ABP का कब्जा। तो छात्र संघ चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय छात्र महासंघ चुनाव भी अपना परचम फहराया। महज 10,000 रुपये के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़। तो कॉमन सर्विस सेंटर की आड़ में विदेशी एवं अन्य राज्यों के लोगों का उत्तराखंड का वोटर और आधार कार्ड बनाने का कारनामा लंबे समय से चल रहा था। परेड ग्राउंड के पास बनेगी ऑटो विक्रम की पार्किंग। तो ट्रैफिक पुलिस ने शहर में पार्किंग की समस्या को दूर करने की कवायद शुरू कर दी है। आशा रोड़ी से रिस्पना तक नदी पर बनेगी एलिवेटेड रोड।
बुजुर्ग शिक्षकों को नहीं मिलेंगे टैबलेट, तो शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी मुफ्त टैबलेट योजना से बुजुर्ग शिक्षक बाहर होने जा रहे हैं। मैदान में कोहरा, शीतलहर, पहाड़ पर कल से बारिश, तो मैदानी इलाकों में का घना कोहरा और शीतलहर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधमसिंह नगर में शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रहेगी। वहीं 29 और 30 दिसंबर को पहाड़ के 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। कोहरे के कारण राप्ती गंगा 10 घंटे लेट, तो कोहरे ने देहरादून गोरखपुर के बीच चलने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस की रफ्तार रोक दी। मंगलवार को ट्रेन 8 घंटे लेट रही। देहरादून में शानदार नगर कीर्तन निकाला, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित नगर कीर्तन में सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। शहर में नगर कीर्तन से लगा जाम। कार्निवाल की दूसरी शाम प्रीतम भरतवाण के नाम, तो मसूरी से खबर आई है। भरतवाण ने जागर और गढ़वाली गीतों ऐसी शानदार प्रस्तुति दी कि दर्शक थिरकने को मजबूर हो गए। फूड फेस्टिवल में लिया पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद। जोशीमठ के लोग बोले हमारी जान बचाओ श्रीमान, तो जिलाधिकारी ने जोशीमठ के भूस्खलन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। टिहरी झील में आज से वाटर स्पोर्ट्स, तो पुरानी टिहरी रियासत के जन्मदिन की धूमधाम से मनाने को लेकर के 28 से 30 दिसंबर तक कोटी कॉलोनी में 3 दिवसीय जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिल सकती है नेजल वैक्सीन। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसेगी टास्क फोर्स। 24 घंटे बाद धरने से उठे हरीश रावत। वहीं खबर है देहरादून से, अच्छा छात्राओं ने एकत्र किया 300 किलो कचरा। अध्यक्ष व महासचिव पद पर टाई रहा मुकाबला, तो ऋषिकेश से खबर आई है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय 6-6 महीने अध्यक्ष पद पर रहेंगे देवराज और संतोष त्रिवेदी। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के छात्र महासंघ चुनाव के अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संतोष कुमार त्रिवेदी व एनएसआई के देवराज बिष्ट तथा महासचिव पद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उदित मौर्य और एनएसआई के विकास शाह को बराबर मत मिलने से मुकाबला टाई रहा। वहीं खबर है नरेंद्रनगर से, पर्यटन विकास मेला 13 जनवरी से होगा। विकास नगर से खबर आई है, एडी हेल्थ ने परखी कोविड की तैयारियां। वहीं खबर आई है, साया से एआरटीओ ने चेकिंग के दौरान 16 वाहनों के चालान काटे। अल्मोड़ा से खबर आई, कोरोना से निपटने को युद्ध स्तर पर तैयारी, तो मॉकड्रिल में सामने आई कोविड अस्पताल की कमी। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग एम्बुलेंस का अभाव रहा। कोरोना की आहट, अल्मोड़ा में गहराया टीके का संकट, तो वैश्विक महामारी कोरोना को बेअसर करने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र हथियार माना जा रहा है। वहीं खबर है, बागेश्वर से हत्यारोपियों को पुलिस ने दबोचा, तो नौकरी हरसिंगिया बगड़ में ताऊ के बेटे की जान लेने और एक को गंभीर घायल करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर कार्रवाई को अंजाम देने का दावा किया है। कत्यूर घाटी में रिकॉर्ड तोड़ पाला गिरा, कड़ाके की ठंड बढ़ी। वहीं खबर आई है, बागेश्वर से मजदूर खाई में गिरकर घायल भर्ती, तो एक मजदूर पेड़ की टहनियों को खींचते समय खाई में गिर गया, वह गंभीर रूप से घायल है। 21 वाहनों के चालन, एक स्कूटी सीज, तो अल्मोड़ा से खबर है, इंटरसेप्टर प्रभारी जीवन सामन ने लोधिया बैरियर में चेकिंग अभियान चलाया। विकास की जमीनी हकीकत जानने फील्ड में जाएंगे सचिवालय के अफसर, तो सीएम धामी ने कहा सचिवालय स्तर पर भी दिए जाएंगे सुशासन पुरस्कार। राजभवन के 25 का अधिकारी कर्मचारी सम्मानित किए गए। बिजली बिल से 6.5% सरचार्ज घटाया, फिर भी 7.72% बढ़ोतरी हुई है। वहीं खबर है, कोटद्वार से नशे में मिला प्रधानाध्यापक, बीओ ने पुलिस को सौंपा, तो एक विद्यालय का प्रधानाध्यापक नशे की हालत में सड़क पर गिरा मिला। सूचना पर पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से अनुसूचित जाति के छात्रों से भेदभाव की होगी जांच, तो धोला देवी ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल थली में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों को मिड डे मील देने में भेदभाव के मामले में जांच तहसीलदार करेंगे। एसडीएम सदर गोपाल सिंह चौहान ने तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए हैं।
मसूरी जल आपूर्ति योजना मार्च 2023 तक हर हाल में पूरी हो। विदेशियों की बनवा रहे थे आधार कार्ड। फास्ट फूड की ठेली लगाता था मुख्य आरोपी लक्ष्मण। रात में बाहर न रहे कोई जरूरतमंद, तो जिलाधिकारी तो डीएम ने दून की सड़कों पर उतरकर देखी व्यवस्थाएं। फ्लाईओवर पर खड़ी बाइक से टकराई बाइक, युवक की मौत। तो देहरादून से खबर है, तेज रफ्तार बाइक फ्लाईओवर पर खड़ी दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि खड़ी बाइक के मालिक को चोट आई है। तो मोहकमपुर फ्लाईओवर पर हुआ है हादसा। वही खबर है, ऋषिकेश बैंक कर्मी से लूट के तीन बदमाश को गिरफ्तार किया गया। अब ऑनलाइन ले सकेंगे पानी के कनेक्शन। तो अब उपभोक्ता को बिल जमा करने और कनेक्शन लेने के लिए पेयजल निगम के दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हरियाणा के युवकों ने तोड़ी गुरु की प्रतिमा, 25 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में 26 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बीएचयू में 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सीआरपीएफ में 1458 हेड कांस्टेबल व असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 जनवरी रखी गई है। इसी के साथ इंडियन नेवी में 275 ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। डीवीसी में 100 ग्रेजुएट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं RSMSSB में 48,000 टीचरों के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कहाँ कट रहे बकरे, कहाँ से आ रहा मीट, निगम और फूड सेफ्टी विभाग अनजान है। सेलाकुई से खबर है, हादसे में युवक की मौत। 20 दिन पूर्व हुई थी शादी। तो बड़ोवाला में हुए सड़क हादसे में पुराना पोस्ट ऑफिस निवासी युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। युवक की शादी 8 दिसंबर को हुई थी। कार्निवाल में चला प्रीतम का जादू, झूमे लोग। भूदशा प्राकृतिक या मानव जनित बना है संशय। तो 1976 में हुए सर्वे के अनुसार ग्लेशियर की मिट्टी पर बसा है नगर खिसकती या रहती है, यह मिट्टी नहीं होनी चाहिए कोई छेड़छाड़। तो जोशीमठ से खबर है, ये नगर का भूदशा प्राकृतिक है या मानव जनित, इसको हर कोई जानना चाहता है। नगर के आसपास जिस तरह की परियोजनाएँ चल रही हैं, इससे इसके मानव जनित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हालाँकि अभी इस बात के ठोस प्रमाण नहीं हैं। पुरोला के एक रसूखदार का भाई कर रहा था धर्मांतरण कराने वालों की मदद। तो पुरोला धर्मांतरण मामले में एक स्थानीय रसूखदार के भाई का नाम भी जुड़ा है। बताया जा रहा है कि वह धर्मांतरण के आरोपियों से जुड़े कुछ लोगों के साथ मिला हुआ है। वहीं खबर है, उखीमठ से हादसे में स्कूटी चालक की मौत। तो रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर बांसवाड़ा के समीप एक दोपहिया वाहन की दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत हो गई। टीरी की यादें संजोने के लिए बनाया गया है संग्रहालय। वाटर स्पोर्ट्स आज से टीरी तैयार है। वहीं खबर आई है, उत्तरकाशी से पीजी कॉलेज में एबीपी छात्र संगठन का प्रदर्शन। वहीं खबर आई है, कर्णप्रयाग से अनियंत्रित होकर कार खाई में गिरी, चालक की मौत। तो कर्णप्रयाग रानीखेत हाईवे पर सोमवार रात सिरोली गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। रात होने के कारण घटना का पता मंगलवार सुबह चला। 215 में से सिर्फ एक का रिजल्ट जारी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की लचर कार्यशैली से BGR परिसर के छात्रों में आक्रोश है। परीक्षा परिणाम जल्द सुधार नहीं किया तो होगा। हरिद्वार से 1 डिग्री पहुंचा पारा, शीतलहर ने कपकपाया, 3 दिन राहत नहीं मिलेगी। मेयर ने रेन बसनों का लिया जायजा। सर्वे बताएगा टीबी मुक्त भारत अभियान का सच। वाराणसी और सोनीपत पहुंचे फाइनल में। कार रोकने पर पुलिसकर्मियों से भिड़ा हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार। तो पोस्ट ऑफिस के पिकेट पर तैनात कांस्टेबल को रोंद कर मारने की दी धमकी। तो नगर कोतवाली का एक हिस्ट्री सीटर जीरो जोन में जबरन कार लेकर पहुंच गया। हिस्ट्री सीटर को पुलिसकर्मियों ने रोका तो उनसे भिड़ गया। नशे में हंगामा करते हुए कांस्टेबल से गाली गलौज की और उन्हें कार से रोंद कर मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
सच छिपाकर रचाई शादी, अब कर रहा ब्लैकमेल, तो पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मुकदमा। तो फेसबुक पर जाली आईडी बनाकर शादी रचाने वाले आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। रेलवे बताएगी कितनी भूमि हमारी, गांधीगिरी की तैयारी। तो पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में आज से की जाएगी हदबंदी। तो रेलवे प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बुधवार को रेलवे की भूमि की हदबंदी शुरू करेगा। अपना दुखड़ा लेकर सड़क पर उतरेंगे लोग। पटवारी लेखपाल पटवारी भर्ती के बाद ही चलेगा अभियान। तो वन भूलपुरा क्षेत्र में 5 स्कूलों में होनी है परीक्षा। तो 6 जनवरी को लोक निर्माण विभाग खोलेगा जेसीपी और पोकलैंड के टेंडर। एसटीएच में 22 वेंटिलेटर खराब मिले। नैनीताल मुक्तेश्वर से ज़्यादा ठंडा रहा हल्द्वानी। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर बीआरओ ने बनाए 2 पक्के पुल। ब्यास और दारमा घाटियों में नलों झरनों में जमने लगा पानी। टनकपुर बनबसा में छाए कोहरे के चादर। पर्वतीय क्षेत्र में दिन भर खिली रही धूप। लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। तो लोहाघाट से खबर आई है। एक साथ 5 कक्षाओं में पढ़ा रही एक शिक्षिका। पिथौरागढ़ से खबर आई है। 7 साल से एकल शिक्षक के भरोसे प्राथमिक विद्यालय खेतार कन्याल। 16 राज्य एसटी के बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में। बहुउद्देशीय शिविर में कई लोगों ने उठाई समस्याएं। एबीपी के देवाशीष चुने गए छात्र महासंघ के अध्यक्ष। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। निहारिका बनी अध्यक्ष। तो धारचुला से खबर आई है। अल्मोड़ा में 43 दिन बाद कोरोना मरीजों के लिए फिर लगे बिस्तर। अल्मोड़ा और बागेश्वर के अस्पतालों में कोरोना की तैयारी को लेकर के मॉक ड्रिल किया गया। ठंड से ठिठुरा अल्मोड़ा, बागेश्वर में भी सर्दी का सितम। तो अल्मोड़ा में 2 डिग्री पहुंचा पारा। रात का तापमान 1 डिग्री तक पहुंच रहा है। बागेश्वर में 10 बजे बाद हो रहे धूप के दर्शन। बागेश्वर कोसानी एनएच पर 30 दिसंबर को डायवर्जन रहेगा। चचेरे भाई की हत्या के आरोप में सरपंच और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया। 52 स्वर्ण पदक जीतकर बागेश्वर की टीम बनी विजेता। कोटेदार नाराज, जनवरी से नहीं मिला अनाज। तो नंदा देवी मंदिर परिसर में हुई पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति की बैठक।